Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया है। घर घर में चंद्रयान 3 की ग्रैंड लैंडिंग की चर्चा है। बातें उन लोगों की भी जो मिशन के लिए पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, अंतरिक्ष विजय के सपने को साकार करने की तैयारी में जुटे रहते हैं। नतीजा कैसा भी हो, लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं। यूपी के भी कई वैज्ञानिक इस ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन में शामिल रहे, वो भी एक नहीं, यूपी के कई लाल इस मिशन में शामिल हैं और एक एक किरदार देश के लिए प्रेरणा है। यूपी के फिरोजाबाद का टिकरी गांव, यहाँ के हीरो का नाम है तो धर्मेंद्र, पर वो है इसरो में साइंटिस्ट। हमको बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है इसरो के वैज्ञानिकों पर। हमको बहुत भारी गर्व है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसी समय मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा इस टीम में शामिल है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। फिरोजाबाद के रहने वाले धर्मेंद्र यादव इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट हैं और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग टीम का हिस्सा भी, जो देख रहे हैं कि चंद्रयान तक इसरो सेंटर से सिग्नल कैसे पहुंचे। साधारण परिवार, सिंपल बैकग्राउंड, धर्मेंद्र की पढ़ाई में रुकावट नहीं बना। परिवार ने बेटे की लगन देखी, खुलकर सपोर्ट किया। फिरोजाबाद से इंटर के बाद बीटेक में दाखिला लिया। साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम से मिली। धर्मेंद्र जब बीटेक कर रहे थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। कलाम साहब ने कहा कि सभी इंजीनियर बनते हैं लेकिन साइंटिस्ट कम लोग बनते हैं। धर्मेंद्र ने इन्हीं बातों को जिंदगी का मकसद बना लिया। धर्मेंद्र जैसा ही एक और किरदार है इटावा का रहने वाला अंकुर गुप्ता। इटावा में साड़ी की दुकान अब टॉकिंग पॉइंट बन चुकी है। पिता को बेटे पर नाज है, हो भी क्यों ना। चंद्रयान की टीम का जो हिस्सा रहा बसरेहर कस्बे में, हर कोई अंकुर गुप्ता की बात करता है। बच्चे तो कहते हैं कि बड़ा होकर अंकुर भैया जैसा इसरो साइंटिस्ट बनना है। बड़े भाई ने बताया कि अंकुर शुरुआत से ही ब्राइट स्टूडेंट था, टॉपर रहा। साइंटिस्ट बनने की जिद ने इसरो पहुंचा दिया। अंकुर गुप्ता पहले इसरो के मिशन मंगलयान से भी जुड़े रहे, अब चंद्रयान 3 की स्ट्रक्चर टीम में शामिल हैं। चंद्रयान के ऐतिहासिक मिशन में गाजीपुर का एक और लाल शामिल है। गाजीपुर का रेवती गांव चंद्रयान की कामयाबी से रोशन है। कमलेश शर्मा ने यहीं से इसरो का सफर तय किया, अभी श्रीहरिकोटा में है और हर बड़े मिशन में जुड़े हैं। कमलेश शर्मा चंद्रयान 3 की रिव्यू टीम में शामिल हैं। पिछले करीब 10 साल से कमलेश ने कई सैटेलाइट मिशन में हिस्सा लिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, कार्टोसैट 1, ऑसमसैट 2, हैमसैट, कार्टोसैट 2A, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट वेंचर सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक 1 सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण में अहम भूमिका रही। मंगलयान की सफलता पर तो कमलेश को पीएम नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दी थी। कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। छोटे शहर कस्बों से आए हमारे वैज्ञानिकों ने भी खुली आंखों से सपने देखे और देखे, इनकी उड़ान के सामने अंतरिक्ष भी कम है। उम्मीद करनी चाहिए कि देश के कई परिवार अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाने के लिए आगे बढ़ाएं, चांद विजय करने वाले सुरमाओं को आदर्श बनाएं।